देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। काजू से परेशान एक महिला ने अपने अपहरण की साजिश कर अपनी बहन को फोन लगाकर फिरौती की मांग की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर महिला सहित उसके एक मित्र को खरगोन से हिरासत में लिया है। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया में रहने वाली एक छात्र महिला ने कर्ज चुकाने के लिए खुद अपने ही अपहरण की साजिश रखकर पुलिस को गुमराह किया। आरोपी महिला आयशा ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसका अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता पैसों की मांग कर रहे हैं। तत्काल ऐसा के परिजन थाने पर पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने फर्जी अपहरण की गुत्थी को चंद घंटों में ही सुलझा लिया था, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर महिला को खरगोन के पास से हिरासत में लिया है। वहीं उसका एक अन्य साथी दिलीप ने दोनों ने मिलकर कर चुकाने के लिए अपहरण की साजिश रची थी। कल शाम को थाना हीरानगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी बहन को कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया है और पैसे की फिरौती की मांग कर रहे हैं और उसको किसी सुनसान जगह जंगल में रखे हुए हैं। जब उसकी फरियादिया से विस्तृत पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि आज सुबह वो अपने कारखाने के लिए निकली थी उसकी सिस्टर और वो रात तक लौट कर नहीं आई है। और लगभग शाम को 6 बजे उसके पास स्वयं जो अपहर्ता है उसके फ़ोन से फ़ोन आया कि उसको किडनैप कर लिया गया है और किसी जंगल में सुनसान स्थान पर रखा गया है। पुलिस द्वारा तत्परता से थाना हीरानगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और सभी इसकी पहलुओं की जांच की गई। जब उस जिस मोबाइल से कॉल हुआ था उसका लोकेशन पता लगाया गया तो उसका लोकेशन खरगोन जिले के झिड़निया का होना पाया गया। इसके अलावा ये जब सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए तो काफ़ी लंबे जब कैमरे देखे गए तो उसमें पता चला कि अपहर्ता लगभग 11:40 पर अपने कारखाने से एक दिलीप नाम के व्यक्ति के साथ जाना पाई गई है एक्टिवा पर बैठकर। संबंधित दिलीप नामक व्यक्ति से पूछताछ के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि दिलीप नामक व्यक्ति खरगोन जिले का रहने वाला है और झिड़निया क्षेत्र चैनपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर से थाना प्रभारी हीरानगर द्वारा टीम का गठन किया गया और चैनपुर झिड़निया जाकर इसको दिलीप से पूछताछ की गई। उसको जब यहाँ लेकर आए तो उसके द्वारा बताया गया कि स्वयं जो अपहर्ता है उसके द्वारा ही इस प्रकार की पूरी साजिश से दिलीप के साथ मिलकर रची गई थी। चूँकि जो अपहर्ता है उसके पास पिछले लॉकडाउन के बाद से लगभग 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो काफ़ी परेशान थी, इसी कारण से उसको ये प्लान आया कि वो अपनी बहन के को इस प्रकार का फ़ोन करे और अपनी बहन के माध्यम से वो राशि प्राप्त करके अपने कर्जे को पटाना चाहती थी। इस प्रकार पूरे घटनाक्रम में अपहर्ता और आरोपी दिलीप दोनों को पुलिस ने दस्तयाब किया है और पुलिस अब इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। दिलीप इसके कारखाने में काम करने वाला ही एक व्यक्ति है जो इसके कारखाने में पिछले काफ़ी समय से काम कर रहा है। ये कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी मतलब कारीगरी का कारखाना है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर